हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत सा देश नेपाल, जो कि इंडिया का पड़ोसी देश भी है। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 नेपाल में हैं, जिसमें से सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल की 81% पॉपुलेशन हिंदू है। लॉर्ड बुद्धा का जन्म 1623 सेंचुरी में नेपाल में लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। नेपाल में स्थित जनकपुर को सीता माता की जन्मभूमि भी माना जाता है। सो इस वीडियो में मैं आपको नेपाल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि नेपाल कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा नेपाल घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप नेपाल का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और ये नेपाल की सबसे बड़ी सिटी भी है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है, जो कि एक इंडियन रुपया नेपाल के 1.60 नेपाली रुपये के बराबर होता है। नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है और मोस्टली लोग यहाँ पर हिंदी भी समझते हैं। इंडियंस के लिए नेपाल में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इंडिया से नेपाल आप बस, ट्रेन और फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से आप आना चाहें तो 13,000 से 14,000 में आपको नेपाल की आने जाने की फ़्लाइट मिल जाएगी। और इंडियंस के लिए नेपाल जाने के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपको पासपोर्ट या वोटर कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत होती है। सो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो आप वोटर कार्ड से जा सकते हैं, और आधार कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है नेपाल जाने के लिए। सो इस बात का ध्यान रखें। दिल्ली से नेपाल के लिए डायरेक्ट बस भी है, जिसकी टिकट 3,000 से 3,500 रुपये तक रहती है और 25 से 27 घंटे का समय आपको नेपाल पहुंचने में लगता है। सो आप उससे भी नेपाल पहुंच सकते हैं, या फिर आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश तक ट्रेन से जा सकते हैं और गोरखपुर से नेपाल की बस ले सकते हैं। गोरखपुर से सोनाली नेपाल बॉर्डर की दूरी 248 किलोमीटर है और 5 से 6 घंटे का समय आपको गोरखपुर से नेपाल पहुंचने में लगता है। गोरखपुर से आप टैक्सी या जीप से भी सोनाली नेपाल बॉर्डर तक जा सकते हैं। सोनाली से काठमांडू की दूरी 248 किलोमीटर है और पोखरा की दूरी 148 किलोमीटर है। नेपाल में इंडियन रुपया भी चलता है, सो आप 100 के नोट लेकर नेपाल जा सकते हैं। 100 के नोट नेपाल में चलते हैं, सो आपको करेंसी कन्वर्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। SBI बैंक भी आपको नेपाल में देखने को मिल जाएंगे, सो आप SBI के ATM से भी नेपाल में पैसे निकलवा सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो अक्टूबर टू अप्रैल बेस्ट टाइम रहता है नेपाल घूमने का। जून टू अक्टूबर रेनी सीजन रहता है, तो उसे आप अवॉइड करें। सो सबसे पहले आप पोखरा घूमने जा सकते हैं। पोखरा सिटी अपनी लेक्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है। पोखरा पहुंचकर आप लेक के किनारे होटल ले सकते हैं। एवरेज होटल नेपाल में आपको 500 से 700 रुपए में मिल जाएगा, और अगर आप हॉस्टल लें तो वो आपको इससे भी सस्ते रेट में मिल जाएगा। सो पोखरा में आप सबसे पहले फेवा लेक जा सकते हैं। यहाँ पर आप ब्यूटीफुल लेक और बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बैंगनस लेक, जो कि फेवा लेक से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, उसे एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। नेक्स्ट आप डेविस वाटरफॉल जा सकते हैं, जो कि एक अंडरग्राउंड वाटरफॉल है। यहाँ की एंट्री टिकट 65 रुपये रहती है। नेक्स्ट आप ओल्ड बाजार पोखरा फॉर शॉपिंग जा सकते हैं, और आप पोखरा में रूपाताल मोनेस्ट्री, महादेव केव, मेहतापानी गुम्बा, माउंटेन म्यूजियम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग घूम सकते हैं। पोखरा में एक या दो दिन स्पेंड कर नेक्स्ट डे आप काठमांडू जा सकते हैं। काठमांडू में सबसे पहले आप पशुपति टेंपल जा सकते हैं, जो कि हिंदू धर्म का बहुत ही पूजनीय टेंपल है। पशुपति जी टेंपल शिवजी जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट आप बोधनाथ स्तूपा जा सकते हैं, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूपा है। यहाँ पर आपको बुद्धिज्म कल्चर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप स्वयंभूनाथ टेम्पल जा सकते हैं, जो कि पहाड़ की चोटी पर बना हुआ बहुत ही सुंदर सा टेम्पल है।
नेक्स्ट आप कोपान मोनेस्ट्री जा सकते हैं, जो कि काफी सुंदर बनी हुई मोनेस्ट्री है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप थेबल जा सकते हैं, जहां पर आप स्ट्रीट शॉपिंग, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आप गार्डन ऑफ ड्रीम, जो कि एक रॉयल गार्डन है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप काठमांडू में दरबार स्क्वायर, हनुमान टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, बुद्धा निकेतन, व्हाइट मोनेस्ट्री अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग घूम सकते हैं। नेक्स्ट आप नगरकोट जा सकते हैं। काठमांडू से नगरकोट की दूरी 28 किलोमीटर है। नगरकोट 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, जहां से आप हिमालय रेंजेस का बेस्ट व्यू देख सकते हैं। नेपाल की 13 हिमालय रेंज में से 8 रेंजेस आप नगरकोट से देख सकते हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी एक है। यहां पर आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। नगरकोट में आप एक दिन स्टे कर सकते हैं, या फिर आप नगरकोट का डे टूर कर सकते हैं और अपना स्टे काठमांडू में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चंद्रागिरी हिल्स का डे टूर कर सकते हैं, जो कि 13 किलोमीटर की दूरी पर है काठमांडू से। चंद्रागिरी में आप केबल कार और गार्डन एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चितवन नेशनल पार्क जा सकते हैं, जो कि काठमांडू से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर आप जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां की टिकट 415 रुपये रहती है। नेक्स्ट आप लैंगटेंग नेशनल पार्क जा सकते हैं, जहां पर आप ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू, हाइकिंग, कैंपिंग एंजॉय कर सकते हैं। नेपाल में काफ़ी सारे छोटे बड़े ट्रैक्स भी हैं, सो अगर आप ट्रैकिंग करना चाहें तो आप अन्नापूर्णा सेंचुरी, लैंगटेंग रीजन, ट्रैक टू माउंट एवरेस्ट बेस कैंप कर सकते हैं। फूड की बात करें तो इंडिया और नेपाली फूड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सो इंडियन फूड भी आपको हर जगह मिल जाएगा। कोस्ट की बात करें तो 100 से 150 रुपये में आपको वेस्ट थाली मिल जाएगी। सो नेपाल घूमने के लिए आपको 6 दिन चाहिए होते हैं, जिसमें आप 2 दिन पोखरा, 2 दिन काठमांडू, 1 दिन चंद्रागिरी और नगरकोट, 1 दिन लैंगटेंग नेशनल पार्क जा सकते हैं। सो बजट आपका कुछ इस तरह रह सकता है, जिसमें अगर आप 2 लोग होटल में रुके हैं तो 600 रुपये के हिसाब से 6 दिन का होटल का खर्चा 1800 रुपये पर पर्सन, फूड का 3000 रुपये पर पर्सन, साइट सीइंग का 2000 रुपये पर पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन का 3000 रुपये पर पर्सन। सो टोटल खर्चा आपका 9000 से 10000 के बीच में आ सकता है। इसमें आप अपनी सिटी से अपने आने जाने का खर्चा ऐड कर अपना नेपाल का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।